Hey guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge for Long. Keep learning and keep growing. All you want is here. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि मैंने पिक करी है क्लास 6 में से, जो हमारा है चैप्टर नंबर 1, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर जो मैं रीड करके एक्सप्लेन करूँ फ्रॉम ऑल दिस एनसीईआरटी बुक, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम पढ़े हैं हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे डॉग ने ढूंढा अपना न्यू मास्टर, खुद को अपना न्यू मास्टर। क्या हुआ इसमें, जो डॉग्स थे ना, वो अपने आप को अपना मास्टर समझते थे और वो इस तरह से रहते थे जैसे कि वॉल्स रहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम के साथ। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी डॉग फैमिली में इस तरह का डॉग आया एक, जो कि जिसे डर लगता था बाहर घूमने में, फूड अपने लिए सर्च करने में, अकेले रहने में। तो क्या हुआ, वो डरा हुआ रहता था। अब उसने सोचा कि अगर मेरे से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर मास्टर आ जाएगा तो वो मुझे परेशान करेगा। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्ट्रॉन्गर मास्टर का सर्वेंट बन जाऊं, क्योंकि अगर मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा तो मैं आज़ादी से घूम पाऊंगा। तो एक दिन वो वॉक कर रहा था और उसे एक किंग मैन मिला, एक बिग वॉल्फ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसने कहा कि क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक मास्टर ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं सर्विस दे सकूँ। तो वॉल्फ ने कहा कि मना करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, और वॉल्फ ने हाँ कर दिया और अब वो दोनों एक साथ चलने लगे। वो चलते गए चलते अचानक क्या हुआ, वॉल्फ ने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया, स्नीफ किया, और क्या हुआ, वो गहरे जंगल में जाते गए। डॉग बहुत सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ मास्टर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं। तो वॉल्फ ने कहा, तुमने देखा नहीं, वहाँ पे एक बियर है और वो हमें खा सकता है, मुझे भी और तुम्हें भी। बियर जो है वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये देख के डॉग ने वॉल्फ की सर्विस छोड़ दी और वो बियर के पास चला गया। उसने बियर से भी यही कहा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, तो उसने भी हाँ कर दी। अब वो बियर और डॉग जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हर्ड काउ का आ रहा था। हर्ड एक कलेक्टिव फॉर्म होती है जो हम काउ के लिए यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी काउ आती है तो हम हर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसने देखा कि बहुत सारी काउ आ रही थी, तो उसने कहा हम इनमें से एक काउ को मार के और अपना भोजन कर लेंगे, मतलब एक काउ को मार के हम खा लेंगे। फिर क्या हुआ, वो वॉक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काउ जो है बहुत डरी हुई थी, बहुत पैनिक हो रही थी और इधर उधर भाग रही थी, और उसको एक टेरिबल नॉइज़ भी आई, एक भयानक नॉइज़ भी सुनाई दी। तो बियर जल्दी जल्दी भागते भागते पेड़ के पीछे छुप गया। अब डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, आप यहाँ, हम यहाँ पे क्यों हैं। तो डॉग ने कहा, ये लोयन है जो जंगल का राजा है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। फिर डॉग ने कहा, आई विल से गुड बाय टू यू, फिर मैं आपको गुड बाय कहता हूँ क्योंकि मुझे तो स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए। तो वो गया लोयन के पास और उसने लोयन से भी सेम चीज़ कही और लोयन ने भी हाँ कर दी। अब डॉग लोयन के साथ रहने लगा, वो उसको सर्व करता रहा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी काफ़ी टाइम तक, और उसके पास कंप्लेन करने का भी कोई रीज़न नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जंगल के सबसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट के साथ रहता है, क्योंकि कोई भी उसको छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था और कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। एक दो दिन बाद वो एक साथ जो है घूम रहे थे साइड बाय साइड, चलते चलते एक बड़ा पत्थर आया जिसको देख के जो लॉयन है वो रुक गया, वो दहाड़ा और उसने अपना पंजा गुस्से में ग्राउंड पर मारा। उसे दिखाई दिया कि यहाँ पे एक होल है, तो वो जल्दी जल्दी भागते भागते वापस आने लगा। तो उसने कहा, मास्टर क्या हुआ। डॉग बहुत सरप्राइज था। तो मास्टर ने कहा, यानी कि लॉयन ने कहा
मुझे एक आदमी की स्मेल आई है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की स्मेल आ रही है। लॉयन ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसने कहा, डॉग ने, ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू, फिर मुझे आपको गुड बाय करना चाहिए क्योंकि मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्गर मास्टर चाहिए। फिर डॉग ने क्या किया, उसने मैन को ज्वाइन कर लिया। अब वो मैन के साथ रहता है, पूरी ईमानदारी के साथ मैन को सर्व करता है और काफ़ी टाइम तक उसका लॉयल मास्टर बन लॉयल सर्वेंट बन के रहता है, यानी कि वफादार सर्वेंट बन के। और अब वो उसको लगता है कि और वो किसी भी मास्टर और को नहीं जानता क्योंकि उसने इंसान की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। ओके, तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी। होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।